हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय डिलो। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेल मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? तो सो मॉर्निंग में मैंने एक कम्युनिटी टैब पर डाला था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो कमेंट आया था, सर कैरियर इन पीईबी एंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर नीड टू नो फॉर पीईबी, पीईबी में करियर कैसा रहेगा और साथ ही साथ कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए पीईबी में करियर बनाने के लिए। तो जो भी लोग पीईबी के बारे में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड हैं वो जा सकते हैं जी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं डीप में पीईबी के बारे में। इंटरेस्टेड लोग देखेंगे तो उनको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोग आगे के टॉपिक्स चाहते हैं कि उनके जो उनको जानना है उस टॉपिक पर वीडियोस बने, तो प्लीज दो मिनट लगा के कमेंट जरूर किया करो कि सर आई वांट दिस टॉपिक सो दैट कि आई कैन कवर दैट टॉपिक्स इन माय फ्यूचर वीडियोस। सो प्लीज डू कमेंट। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री की जितनी भी इंडस्ट्रियल चीजें बन रही हैं, चाहे कोई कारखाना बन रहा है, चाहे कोई वेयरहाउस बन रहा है, सब कुछ कैसा बन रहा है, पीईबी पे बन रहा है, ना कि कन्वेंशनल स्टील पे बन रहा है। पीईबी पे बनने का कई रीजंस हैं। मेन रीजन ये है कि इसमें स्टील की बचत होती है, टाइम कम लगता है और पैसा भी बचता है। अब इससे ज्यादा रीजन क्या चाहिए, पैसा बच रहा है और टाइम भी बच रहा है और स्टील भी कम लग रहा है, क्वांटिटी कम लग रही है और रीयूजेबल है ही सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि इसमें मोमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कहाँ पर कितना स्टील की रिक्वायरमेंट है, उतना ही स्टील देते हैं, एक्स्ट्रा स्टील देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक घंटे का पूरा एक वीडियो यहाँ पर देख लेना दिया था, एक लाइव वेबिनार किया था आपका यूट्यूब पे ही, तो उसको भी देख लेना, डीप में समझाया था मैंने। बट आज करियर की बात करेंगे गाइस। इसमें करियर ज़्यादा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लड़के जो भी होंगे वो किस में जाते हैं, वो अगर बीटेक किए हैं या फिर एमटेक जो भी किए हैं तो आरसीसी को प्रीफ्रेंस देते हैं। किसको? आरसीसी को प्रीफ्रेंस देने की मेन वजह है कि क्योंकि उनको आरसीसी के बारे में पता होता है पहले से। कुछ लड़के जो आरसीसी से बच जाते हैं वो बीम में चले जाते हैं। लेकिन अगर खाली अगर पोर्शन की बात करूं तो दो इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अभी भीड़ कम है। वो दो इंडस्ट्री कौन कौन सी है? एक है पीईबी और एक है प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट पे भी एक वीडियो आने वाला है और फिलहाल अभी के लिए हम पीईबी बात करेंगे। इन दोनों ही इंडस्ट्री बहुत ही बूम करने वाली है, ऑलरेडी बूम कर रही है। आप देखोगे चाहे कोई भी रिलायंस का कोई भी टावर बन रहा है या फिर रिलायंस का कोई इंडस्ट्री बन रही है, मारुति सुजुकी को कोई शोरूम बन रहा है, सब कुछ आज के टाइम में पीईबी बन रहा है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। आप पेट्रोल टंकी में देखो केनोपी बना रहे हैं, सब पीईबी से बन रहा है। तो पीईबी में इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो कंपनीज हैं वो लिमिटेड हैं बट उनके पैकेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें इतने बेनिफिट होता है कि पैकेज देने में कोई खास समस्या लोगों को होती नहीं है। मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 15,000 रुपये, वैसे मैं मिनिमम बता रहा हूँ, वैसे 18-20 तो मिल जाता है, बट जो सबसे छोटी लेवल की कंपनी होगी वो भी आपको 15,000 रुपये कम से कम सैलरी दे देगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छे से आराम से 30 से 35 हज़ार का पैकेज ले सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पीईबी का इन फ्यूचर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। पीईबी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें आप अगर स्टार्टिंग में जॉब के स्टार्ट करिए, अपनी किसी भी कंपनी से 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और फिर खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर खुद का स्टार्ट करने में लफड़ा होगा? नहीं, लफड़ा नहीं होगा। कई लोगों ने ओपन किया हुआ है, अभी बहुत अच्छा वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अभी आपको बोलूंगा तो आपको शायद बिलीव ना हो क्योंकि अभी आप वहां तक नहीं गए हो। 1 CR 2 CR 3 CR का टर्नओवर साल भर में कर रहे हैं लोग जो कि थोड़े से एक्सपीरियंस लेके अपनी इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं, मतलब पीईबी में एंट्री कर चुके हैं। क्या करते हैं वो लोग? पेट्रोल टंकी का कैनोपी बनाते हैं, कुछ लोग वाटर टैंक का, जो वाटर टैंक होते हैं ना बड़े बड़े घरों में, उसके लिए जो आप देखते होंगे सोसाइटीज़ में फ्रेम्स बनते हैं वो फ्रेम्स बना रहे हैं, और कई लोग टावर्स पे काम कर रहे हैं। इस पे बहुत अच्छा इनकम वो ग्रो कर रहे हैं। तो पीवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सीखो, सीखने के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, सीखने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो उसको इन फ्यूचर अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी उसमें स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस। अब बात आती है कि सर अच्छी बात है पीवी में मतलब भीड़ कम है प्लस इंटरेस्ट भी है आपका, ऐसा है तो अब सीखना क्या क्या चाहिए? तो पीवी में सीखने के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं पीवी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टील के प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज आपका होना। ठीक है, स्टील का प्रॉपर्टी एकदम पी जाना है, मतलब पूरे हर एक स्टील की प्रॉपर्टी आपको पता हो कि कौन सी स्टील क्या रिस्पॉन्स करेगी, कैसे करेगी।
दूसरी चीज गाइज, आपको स्टैट प्रो आना चाहिए। अब इसमें एक समस्या होती है, जो आप स्टैट प्रो सीखते हो या फिर जो मैं खुद सिखाता हूँ, वो स्टैट प्रो आरसीसी बेस्ड होता है। किससे बेस्ड होता है? आरसीसी बेस्ड होता है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट आरसीसी वाले बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारा फोकस आरसीसी पे होता है। बट पीईबी के लिए अलग ही सेक्शन है स्टील के अंदर, मतलब स्टैट प्रो के अंदर, वो आपको आना चाहिए। तो स्टैट प्रो आपको आना चाहिए, और स्टैट प्रो के साथ ही साथ आपको अच्छी तरीके से टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर आना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको इसमें पता होना चाहिए अच्छे तरीके से टेक्ला स्ट्रक्चर्स, और लास्ट सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। ये चार चीजें अच्छे से आनी चाहिए। क्या क्या? ऑटोकैड, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर जो मतलब इसकी पीईबी की ड्रॉइंग्स होंगी पूरी की पूरी ऑटोकैड पे ही डिटेल करके सबमिट रिजल्ट आप दिखाओगे, मतलब टेक्ला से भी अगर क्रिएट करोगे तो भी ऑटोकैड में ही क्रिएट होंगी ना, वो सब के सब इंपोर्ट तो ऑटोकैड में होंगी। दूसरी चीज, अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आ रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कहां पर कितना स्टील प्रोवाइड करना है? तो उसके लिए स्टैट प्रो आना चाहिए। मैं दूसरा ऑप्शन स्टैट प्रो के जगह पर टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर भी दे रहा हूं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन कुछ कंपनियां टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर यूज करती हैं, कुछ यूज करती हैं स्टैट प्रो। तो मैं बोलूंगा आप दोनों सीख के रखो। उसके बाद तीसरा जो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए इसके अंदर, वो है टेक्ला स्ट्रक्चर्स। क्यों? टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर के अंदर आपने एनालिसिस कर लिया, डिजाइन कर लिया, डिटेलिंग के लिए आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स यूज में आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से कि भाई हम सब कुछ हमने बना लिया, अब इसको हम लोग जो बनाए हैं क्रॉस चेक करना आना चाहिए। तो क्रॉस चेक के लिए थोड़ी सी मैनुअल कॉन्सेप्ट लाइक बोल्ट का डिजाइन, कनेक्शन का डिजाइन और आईएस कोड्स के बारे में, इतना सब कुछ अगर आपको पता हो तब आप आराम से पीवी में कैरियर बना सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आपका कैरियर स्टार्ट हो गया तो बिलीव करिए आप एक तो कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 20 लड़कों से पूछ लो, 20 में से शायद एक लड़का होगा जो बोलेगा मैं पीवी पे काम कर रहा हूं, तो आप वैसे ही यूनिक बन गए। तो मेरा अगर व्यू मानना चाहते हो तो मैं ये बोलूंगा कि जिसको भी आरसीसी में थोड़ा भी इंटरेस्ट कम है वो पीवी में चले जाना। पीवी में जाने के लिए सिर्फ ऑटोकैड सीख लो अच्छे से। ऑटोकैड में मैं ऑटोकैड बताता हूं, तो ऑटोकैड का मतलब ये नहीं जो आपको ऑटोकैड आता है, ऑटोकैड के मतलब जो पीईबी के ड्राइंग्स के लिए ऑटोकैड चाहिए। क्या चाहिए उनके लिए? कनेक्शन ड्रॉ कर सको, उनके हंजेस यूज कर उनके लिए कर सको, बेस प्लेट उनके लिए बना सको, वो सारा ऑटोकैड आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको स्टैट प्रो आना चाहिए। अब स्टैट प्रो में वो आरसीसी वाला पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टील वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, स्टील स्टैट में आना चाहिए। उसके साथ साथ टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, और उसके बाद टेक्ला स्ट्रक्चर्स, ये चार मेजर सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको अच्छे तरीके से बोल्ट के बारे में और कनेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, भाई कौन कौन से कनेक्शंस कहां पर लगेंगे, और विंड और सेस्मिक तो कंपलसरी है ही। अगर ये पूरा का पूरा आप समराइज कर लें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पीवी में कैरियर बना सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम ये मैंने देखा है कि इस तरह का कोई भी मार्केट में किसी के पास भी आई थिंक कोर्स नहीं है। अगर किसी के पास है तो आप लोग तुरंत सीख लीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मेरे दो तीन स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर इस पर मुझे सीखना भी है इसको, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोकैड, टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर, टेक्ला स्ट्रक्चर्स और स्टैट प्रो फुल्ली बेस्ड ऑन पीईबी, एक मैं पूरा करियर का एक पूरा अच्छा सा कंटेंट तैयार करूं, कंटेंट इन द सेंस एक क्लास स्टार्ट करूं, और तो अगर आपको चाहिए वो क्लास की सर हाँ स्टार्ट करिए, तो आप यहां पर नीचे लिखना आई एम इंटरेस्टेड। ये क्लास लगभग मुझे जो लगता है 2.5 महीने की क्लास होगी, पूरी पीईबी पर टोटली बेस्ड होगी। 2.5 महीने मतलब 60+15 मतलब 75 डेज। 75 डेज के क्लास में ये कवर किया जा सकता है कि आपको एज अ बिगिनर क्या क्या पीईबी में आना चाहिए। 75 डेज में अप्रॉक्स 100 आवर्स का लेक्चर हो जाएगा। 100 आवर्स का लेक्चर इज सफिशियंट फॉर पीईबी। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे पीईबी में करियर बनाना है, या फिर मेरा इंटरेस्ट है बट राइट पाथ नहीं मिल रहा है, तो आई एम इंटरेस्टेड लिखना। अगर आप लिखते हो तो मेरा 10 दिसंबर के आसपास मैं फ्री हो रहा हूँ, 10 दिसंबर ठीक है अभी नहीं, 10 दिसंबर के आसपास मैं फ्री हो रहा हूँ, और उसके बाद क्योंकि 10 दिसंबर से या फिर 11 दिसंबर से ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ आपके लिए एक न्यू बैच टोटली डेडिकेटेड ऑन पीईबी। ज्यादा फी मैं रखता नहीं हूं, और इसमें भी कम से कम जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना ही कम फी रख दूंगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि जितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उसके हिसाब से कुछ डिसाइड करेंगे कि मेरा वन आवर्स का जो भी फी होता है वो हम लोग पे कर देंगे, दैट्स इट। साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी पीईबी का कंप्लीट आपको कोर्स करा रहा है तो यू कैन गो एंड डू दैट ऑल्सो।
ठीक है, मुझे नहीं पता है कौन करा रहे, मैं रेफरेंस भी दे देता, लेकिन अगर करा रहे तो आपको सीखना चाहिए। पीईबी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है गाइज, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ की भीड़ नहीं है, इसकी वजह से आप सैलरी अपने हिसाब से मांग सकते हो। दूसरे इंडस्ट्रीज में, आरसीसी के इंडस्ट्रीज में क्या है कि तुम अगर नहीं करोगे 25 में तो 25 में कोई और करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्यों, लड़कों की कमी नहीं है। बट पीईबी में ऐसा नहीं है, बिलीव करिए, मेरे पास लोग फोन करते हैं कि यार मुझे पीईबी के लिए कुछ लड़के दे दो, तो मैं टेकलाम के जो मेरे लड़के होते हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये जो अच्छे रहते हैं उनको मैं सजेस्ट कर देता हूँ। बट टोटली पीईबी बेस्ड कोर्स के लिए एटलीस्ट 100 आवर्स लगेंगे, 100 घंटे लगेंगे, 75 डेज लगेंगे जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। आप खुद से भी सीखना चाहो तो ऑटो कैड, टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर, टेकला स्ट्रक्चर, स्टैड प्रो, और उसके बाद मैनुअल कनेक्शंस, और उसके साथ ही साथ आपको हर मेंबर के जो आपके आईएएस कोर्स है वो आईएएस कोर्स, विंड एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस, इतना अगर कंप्लीट कर लोगे तो आप पीबी में आराम से करियर बना सकते हो। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी जल्दी पॉसिबल हो सके इसका एक सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो बनाऊंगा। अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फर्स्ट बैच हो सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए, थैंक यू सो मच, होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आगे की इंडस्ट्रीज में आपको जानना है जिसके बारे में, नीचे कमेंट करके अपनी राय तो जरूर दिया करो यार। राय देने से क्या होता है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, पता चला मैं कुछ और पढ़ाया जा रहा हूँ तुमको कुछ और चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, कीप इट अप।